हेलो फ्रेंड्स, मैं शबीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेक्टस एक्सेवेटम को असेस करने के लिए चेस्ट सिटी पर जो हॉलर इंडेक्स मापा जाता है वो क्या होता है, और साथ ही आपको बताएंगे कि फनल चेस्ट के ट्रीटमेंट के अंदर वैक्यूम बेल डिवाइस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, पहले भी हमने फनल चेस्ट के ऊपर वो वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका हमने लिंक दे रखा है, तो वो वीडियो देखिए। तो और दोस्तों, आज की वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हॉलर इंडेक्स से किस तरीके से आप पेक्टस एक्सेकेवेटम की सीवियरिटी का पता लगाएंगे, और वैक्यूम बेल डिवाइस से कैसे आप घर बैठे अपने मॉडरेट पेक्टस एक्सेकेवेटम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट और गिव अवेज हमारे एक्सक्लूसिव चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, हॉलर इंडेक्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। हॉलर इंडेक्स, जिसको पेक्टस इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पेक्टस इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, जिसको हम हॉलर इंडेक्स कहते हैं? बेसिकली ये हमारे चेस्ट केज को डिस्क्राइब करता है, और इससे हम पेक्टस एक्सेकेवेटम की सीवियरिटी का पता लगाते हैं। अब बात करते हैं किस टेक्निक से आप पेक्टस एक्सेकेवेटम, यानी कि जो हमारा फनल चेस्ट है, उसकी सीवियरिटी पता लगाएंगे। दोस्तों, चेस्ट सीटी के अंदर हम एंटीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर डिस्टेंस और ट्रांसफर डायमीटर की मदद से हम इसकी सीवियरिटी का पता लगाते हैं। तो बेसिकली ये जो हॉलर इंडेक्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट क्या करता है? बेसिकली हमारे वर्टिब्रल बॉडी की, जो वर्टिब्रल बॉडी है, उसकी एंटीरियर सरफेस से हमारे जो स्टर्नम की पोस्टीरियर सरफेस है उस तक का स्मॉलर डिस्टेंस जो होता है, बेसिकली यही हॉलर इंडेक्स होता है। यानी कि आपकी एंटीरियर सरफेस ऑफ वर्टिब्रल बॉडी से आपके स्टर्नम की पोस्टीरियर सरफेस तक जो स्मॉलर डिस्टेंस होता है, उसी को हम हॉलर इंडेक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है इसकी सीवियरिटी पता करने का, यानी कि माइल्ड पेक्टस एक्सेकेवेटम कब होगा और सीवियर एक्सेकेवेटम कब होगा। दोस्तों, अगर हॉरर इंडेक्स 2.0 से कम है तो ये आपका माइल्ड पेक्टस एक्सेकेवेटम कहलाएगा। अगर मॉडरेट है, यानी कि 2.0 से लेकर के 3.2 तक जो हॉरर इंडेक्स रहेगा, उसको हम बोलेंगे मॉडरेट आपका पेक्टस एक्सेकेवेटम। और सीवियर पेक्टस एक्सेकेवेटम की जो वैल्यू होगी वो होगी मोर देन 3.2 से 3.5 तक इसकी वैल्यू रहती है सीवियर पेक्टस एक्सेकेवेटम की। अब बात करते हैं, जब आपको फनल चेस्ट होता है तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? दोस्तों, आपको रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, आपको इंक्रीज हार्ट पाल्पिटेशंस और हार्ट बीट देखने को मिलेगी, साथ ही आपको फटीग ज़्यादा होगा, कफिंग देखने को मिलेगा, वीजिंग साउंड सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, अगर माइल्ड पेक्टस एक्सेकेवेटम जो होता है उसको आप घर बैठे ट्रीट कर सकते हैं। एक वैक्यूम बेल डिवाइस होता है जिसको आपको अपने चेस्ट पर रखना होता है, और उसको एक पंप से कनेक्ट करना पड़ता है। बेसिकली ये पंप क्या करता है, आपके चेस्ट के अंदर वैक्यूम क्रिएट करता है और आपके चेस्ट को फॉरवर्ड पुल करता है। और दोस्तों, इस तरीके से आप माइल्ड पेक्टस एक्सेकेवेटम को घर बैठे ठीक कर सकते हो इस वैक्यूम बेल डिवाइस के जरिए से। दोस्तों, वैक्यूम बेल डिवाइस के बारे में हमने पूरा एक आर्टिकल लिख रखा है, जिससे आप पूरे इसके बारे में जानकारी ले सके। तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिंक दे रखी है। तो वैक्यूम बेल डिवाइस के बारे में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो उस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िए, उसमें हमने सारी चीज़ आपको बता रखी है कि वैक्यूम बेल डिवाइस कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो सीवियर केस होता है पेक्टस एक्सेकेवेटम का, उसमें प्रिडिक्ट की जाती है सर्जरी। दोस्तों, सीवियर केसेस में सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है, जिससे आप अपने फनल चेस्ट को और पेक्टस एक्सेकेवेटम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया हॉलर इंडेक्स के बारे में और वैक्यूम बेल डिवाइस, जिससे आप अपना जो माइल्ड पेक्टस एक्सेकेवेटम है, यानी कि फनल चेस्ट है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।